रामायण विश्वविद्यालय बन रहा है उसकी अपडेट आपको देने वाले हैं। अयोध्या में जो है कहां पर बन रहा है ये सारी चीज़ों को आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। सभी प्रियजनों को अयोध्या टाइम के तरफ से राम राम। मैं श्याम जी मौर्य, अभी मैं हूँ लता मंगेशकर चौक पर और यहाँ से सीधे मैं निकल रहा हूँ धर्मपथ होते हुए। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की अपडेट देने वाला हूँ जहाँ पर जो है अयोध्या में जो है नया विश्वविद्यालय बन रहा है, उसका जो है काम कितना तेज़ी से हो रहा है, उसका चौड़ीकरण और उस पर काम जो है किस स्पीड पे हो रहा है, इन सारे चीज़ों का जो है आज आपको इस वीडियो में अपडेट मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और देखिए अभी हम हैं धर्मपथ पर और धर्मपथ की स्थिति आप देख सकते हैं, काम बहुत तेज़ लगा है। योगी जी अभी यहाँ से निकले हैं और तभी यहाँ का रास्ता धर्मपथ का खुला है और उसी रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं। हालाँकि अभी भी पुलिस प्रशासन बहुत जो है तैनात है, बहुत चाक चौबंद है यहाँ पर हर जगह। और देखिए ये धर्मपथ का पूरा दृश्य है, धर्मपथ का जो है रोड, ये देखिए काम हो रहा है यहाँ पर, शीबर का केबल वायर का और जो है नाली का जो है सब काम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। बगल में एक नया यहाँ पर शीबर बनाया जा रहा है जो केबल वायर के लिए रहेगा, और जो नाली पानी का जो है शीबर बनाया, देखिए यहाँ से निकल रहा है बंदा, यहाँ पर जो है पानी का शीबर है। काम दोनों तरफ, दोनों पटरियों पर काम बहुत तेज़ है। यहीं से हम सीधे चल रहे हैं और आज आपको है जो है रामायण विश्वविद्यालय बन रहा है उसकी अपडेट आपको देने वाले हैं। अयोध्या में जो है कहां पर बन रहा है ये सारी चीज़ों को आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और यहीं से देखिए ये है सिग्नल, सामने है हनुमान गुफा, यहां से हम सीधे चल रहे हैं एकदम। और आपको काम की जो है अयोध्या डेवलपमेंट की धर्मपथ का पूरा अपडेट आपके सामने है। यहाँ पर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और जो आपने देखा होगा कि साइड में दीवारें बन रही हैं, ये सारी दीवारें देखिए ये पिल बनाया जा रहा है, ये दीवारों पर जो है रामायण की सारी चीज़ें बताई जाएंगी, सारी चीज़ें बताई। देखिए अधिकारी की गाड़ी जा रही है, जैसे योगी जी निकले हैं सब जैसा लग रहा है कि सब जेल में बंद थे और सब फ्री हो गए हैं, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। ये रंगीन ब्रिज है अयोध्या का, रेलवे का पास क्या नाम है ओवर ब्रिज है, इसे रंगीन ब्रिज, रंगीन पुल या सतरंगी पुल भी कहा जाता है क्योंकि यह सात रंगों से बनाया गया है। देखिए जीसीबी अपना काम कर रहा है और एरिया जो है धर्मपथ का जब बनकर पूरा कंप्लीट होगा आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी वीवीआईपी रास्ते पर जो है चल रहे हैं, इतना जो है बढ़िया डेवलपमेंट किया जाएगा यहाँ पर। और देखिए जो सामने देखिए बन रहा है, ये पिलर है, ये दीवार बन रहा है, इन सारे दीवारों पर जो है रामायण काल से जुड़े सारी चीज़ें इस पर चित्रण होगी, बनाई जाएंगी, कहीं कहीं पर एलसीडी लगेगा, इन सारे चीज़ों का अपडेट जो है ये रहने वाला है। और सामने देखिए अभी हम पहुंच रहे हैं अयोध्या बाईपास फ्लाईओवर के पास और यहीं सामने है, यहाँ पर है सेल्फी पॉइंट और सेल्फी पॉइंट के सामने ही जो है अयोध्या का प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है धर्मपथ पर, जिसकी पिलर का काम जो है शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पर पहले पुलिस चौकी हुआ करती थी, उस पुलिस चौकी को हटा दिया गया है और यहाँ पर अब जो है पिलर का काम चल रहा है पूरा, और सेल्फी पॉइंट के सामने ही है जो है धर्मपथ पर जो प्रवेश द्वार पर सेल्फी पॉइंट लगा था अयोध्या बाईपास के पास, उस सेल्फी पॉइंट को हटाया जाएगा, ऐसा जो है खबरों के अनुसार पता चल रहा है। हम आगे हैं और आगे दिखाते हैं आपको जो है थोड़ा सा और आगे ले चल करके। और सामने देखिए एक चीज़ आपको और बता दूँ कि ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है यहाँ पर, ये बिल्डिंग है मल्टी कार पार्किंग का एरिया है, यहाँ पर जो है आप अपने गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं आराम से, फोर व्हीलर वगैरह अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं और उसकी चार्जेस लगेगी। यहाँ पर टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर है, बस की, यानी सब पार्किंग की सुविधा यहाँ पर जो है मिल जाती है। यहीं से हम आगे चल रहे हैं और आगे जो है पहुँचने वाले हैं, यहाँ देखिए सामने अभी हम पहुँचने वाले हैं जहाँ से फ्लाईओवर शुरू होता है अयोध्या बाईपास का, वहाँ हम पहुँच चुके हैं अभी। और हमारे सामने देखिए यहाँ पर है सूर्या पैलेस, सूर्या पैलेस के सामने जो है से फ्लाईओवर शुरू होता है। यहाँ पर देखिए प्रभु श्री राम का एक प्रतिमा लगाया गया है जो बहुत ही भव्य, और ये अयोध्या के जो है यहीं से अयोध्या में प्रवेश द्वार है, तो इसी को जो है आगे डेवलप किया जा रहा है धर्मपथ पर प्रवेश द्वार बना करके।
और यहीं से हम आगे चल रहे हैं और यहाँ पर आपको एक चीज़ की बहुत बड़ी अपडेट देने दे रहा हूँ मैं, जिस चीज़ की अपडेट जो है आपको मिलनी चाहिए वहीं से हम चल रहे हैं। और देखिए हाईवे से अब अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जिस चीज़ की अपडेट के लिए मैं आपको लेकर के आया हूँ, उस चीज़ की अपडेट ये है कि यहाँ पर बहुत ही जो है भव्य और बहुत ही विशाल एक जो है विश्वविद्यालय बन रहा है। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये जगह है, देखिए हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही विशाल बहुत ही भव्य जो है एक विश्वविद्यालय बन रहा है, उसकी जानकारी देखिए हम आपको दे रहे हैं। ये देखिए ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, प्रस्तावित महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय श्री अयोध्या जी का, ये देखिए पूरा बोर्ड है और बोर्ड पे आपको जो है यहाँ पर दिख रहा होगा हर एक चीज़। तो ये पूरा जो है सामने जो है मशीनरी लग चुकी है, यहाँ का काम जो है इतना तेज़ी से हो रहा है जो विश्वविद्यालय का काम है। अब ये देखते हैं कि कब बनकर ख़त्म होगा, कब ये जो है अयोध्या में तैयार होगा, क्योंकि हमें इसका इंतज़ार है, इसका जो है हमें भी इंतज़ार है कि अयोध्या में जो है शायद ऐसा कहा जा रहा है और खबरों और जो आर्टिकल छपे थे उनमें सारे तरहों से ये ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है गुरुकुल के तौर पे जो है विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ये गुरुकुल के तर्ज पे ही बनेगा, एक गुरुकुल के जैसा ही बनने वाला है ये पूरा विश्वविद्यालय। और आप देख सकते हैं सामने है ये NH-27 है, ये NH-27 है सामने, प्रभु श्री राम की प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ से जब आप निकलेंगे ना तो सामने देखिए रेलवे का जो है पटरी है, सामने रेलवे पटरी है, उसके और हाईवे के बीच में ये जो है पूरा बनाया जा रहा है। हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा अंदर भी दिखाते हैं। और सबसे पहले जो है इस विश्वविद्यालय की एक्सक्लूसिव वीडियो आपको अयोध्या टाइम पर मिल रही है, इससे पहले अभी तक किसी ने इस जगह के बारे में वीडियो नहीं बनाया है, किसी ने इसका अपडेट नहीं दिया है। सबसे पहले आपको यह अपडेट अयोध्या टाइम पे मिल रही है। और देखिए यहाँ पर जितने मशीनरी लगे हैं सारे मशीनरियों में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पर जो है गड्ढा था, नाला वगैरह था, बारिश का पानी जमा होता था, उन सारे जगहों को पाट कर मिट्टी डालकर इस पर काम बहुत तेज़ी से जो है चल रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है यहाँ का। और भाई साहब ये इतनी खुशी की बात है, जितनी खुशी श्री राम जन्मभूमि बनने के बाद हो रही है उतनी ही खुशी जो है इस विश्वविद्यालय के बनने पर हो रही है। जब ये विश्वविद्यालय बनकर कंप्लीट हो जाएगा, हाईवे के पूरा बगल में है, जब ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो इतना अच्छा लगेगा कि आपको क्या बताएं इस विश्वविद्यालय के बारे में। हालांकि अभी इस पर काम चल रहा है, इस पर काम हो रहा है, लेकिन देखते हैं कि इस विश्वविद्यालय का क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या आगे तक क्या क्या और कैसे बनने वाला है। समय समय पर इसकी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर काम चल रहा है अभी और यहाँ पर बोरिंग वगैरह बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ों का अपडेट जो है आपको समय समय के अनुसार मिलती रहेंगी। और जो है अयोध्या में पहली बार जो है गुरुकुल के तर्ज पर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी अपडेट है अयोध्या के लिए, अयोध्या वालों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, जो कि विश्वविद्यालय बन रहा है। तो ये सारी अपडेट थी जो है नए विश्वविद्यालय की, जो अयोध्या में सूर्या पैलेस के बगल में NH-27 पर बन रहा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए अयोध्या टाइम। जय श्री राम।